जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं आमल की एकादशी की यह कथा। 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसी व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा कर यह सब वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1,000 गोदान के फल के बराबर है। आमल की आंवले की महत्ता उसके गुणों की अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ग के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्यमान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और न ही कंजूस। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है, आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन व जीव हिंसा करके अपनी भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर
10,000 ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की समान, कांति में चंद्रमा की समान, वीरता में भगवान विष्णु की समान तथा क्षमा में पृथ्वी की समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों, आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटे निकल रही थी। उस समय वह काल की समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को नाश कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा? इस वन में कौन मेरा हित ऐसी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु की अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया, फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हरती है। यह मनुष्य की ही नहीं अपितु देवताओं की रक्षा में भी पूर्णतया समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु कैटब नाम के राक्षसों का संहार किया था। इसी शक्ति से उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक असुर का वध करके देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुखी किया था।